कोरोना जैसा नाम वैसा ही काम। क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। नहीं लौटाऊंगा क्योंकि सैयदों के घर से कोई भूखा नहीं है। लेकिन जब ये बात तय है कि कल भी है और कल रात भर है तो आज नाश्ता करा देता हूँ, खाना कल खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं समझ लो कि आज वजू से काम चला लो, कल गुस्ल होगा। माशाल्लाह। दुनिया देखती है मानती नहीं। एक से एक बहादुर जानवर हैं। अगर मुल्क में नहीं होते तो अफ्रीका से मंगाए जाते। एक से एक बहादुर जानवर है। किसी का नाम शेर है, किसी का नाम टाइगर है, और आजकल प्रचार में चीता है। शाकाहारी है, शाकाहारी है, लेकिन अफ्रीकी चीतों की सेवा के लिए भारतीय हिरणों को पेश किया गया। क्या कमेंट है? सुभान अल्लाह, कमाल है। हम खाए तो पाप है, चीता खाए तो सवाब है। जानवर कामयाब नहीं होता। जानवरों में उपयोगी जानवर भी हैं, मगर वो कामयाब नहीं कहलाते। उपयोगी, फ्रूटफुल, यूजफुल, लाभदायक, बट नॉट सक्सेसफुल, सफल नहीं है। कितने ही वफादार हो, नाम तो कुत्ता है। कितना ही बोझ उठाए, नाम तो गधा है। ये कामयाब लोगों के नाम है? ये कामयाबी है? इंसान कितना चालाक है। सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है। शेरनी को भी अम्मा कहो। पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। सीधी सादी, दूध देने वाली, काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता है। इसके बावजूद वो सफल नहीं, कामयाब नहीं कहेंगे उस जानवर को। और ये सही है, तर्क संगत, लॉजिकल है कि मेरी माँ वही है जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माता वही है जिसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। तो अगर यही माता है तो क्या इसकी कोख से जन्म लिया? या तुम जो ज्यादा हो उसी के पीछे भागते हो? ओरिजिनल अम्मा के 2 टांग है, अब जिसके 4 है वो भी अम्मा। मियां माँ कहा है तो सच्चे पुत्र बनो,
हम आपके कहने की आलोचना नहीं करते, आप पे करते हैं कि आप अच्छे पुत्र बनो, लायक बेटा बन। माँ कहा है तो लायक बेटा बन। जानते हो लायक बेटा कौन है? हम हैं लायक बेटे। तुम सब पूरे भारत में 135 करोड़, लायक बेटा वो है, हम हैं। क्यों? हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। अनदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। माँ भी कहूँ और कारोबार भी करूँ, व्यापार करूँ। बंगाल वाले समझदार हैं, जो उसकी जगह है वहीं रखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार गाजी मिल्लत, सरकार गाजी मिल्लत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर। तुमसे आंखें मिलाकर, तुम्हारी छाती पर चढ़कर ये सच बोलने वाला हाशमी खुद सच नहीं बोल रहा है, उसका खून सच बोलवा रहा है। जब तक अली का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। हमसे ज्यादा कुव्वत ताकत पशुओं में है, पर वो कामयाब नहीं होते। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है। लो हमारे यहां गाजी है, शहीद है। मारा तो गाजी, मारा गया तो शहीद। क्या जानवरों में भी कोई गाजी है? मारते वो भी है, मरते वो भी हैं, मारते भी हैं, मारे जाते भी हैं, मगर कामयाब नहीं है। वही काम हम करें, अल्लाह की राह में मारें तो गाजी और काटे जाएं तो शहीद। तरक्की हमारी है, जानवरों की नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? 10 गुण जो जानवरों में है वो सब हम में है। समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बहुत समानताएं निकलेंगी 10 से ज्यादा। जो जो जानवर में वो सब हम में है। उन्हें भूख लगती, हमें भी भूख लगती, उन्हें भी प्यास लगती, हमें भी प्यास लगती है। वो भी फिजिकल सेक्स करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं। उनके भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हमारे पास भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनमें भी आत्मा है, हमें भी है। वो भी मेल है, फीमेल है, स्त्रीलिंग भी है, पुलिंग भी है, हमें भी है। तो अगर तुम पैदा होने के बाद सिर्फ खाते रहे, पीते रहे, जीते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, बुढ़ापे में जाते रहे, तो पशुओं की तरह हो। और पशुओं से पीछे हो। हमारे घर में हमारी माँ बहने, एक बच्चा या दो हो जाते हैं ट्विंस, लेकिन कुतिया के कितने होते? और ये सुअर कितने बच्चे? तो संख्या में वो हमसे आगे है। तो अगर हमारी मां बहनें सिर्फ मां बन के रह गई तो जानवरों की तरह रही, कामयाब कहां रही? क्या बात है,
तुम तो वो हरकतें करते हो जो जानवर भी नहीं करते। जानवर शराब नहीं पीते, जानवर जुआ नहीं खेलते, जानवर सिनेमा नहीं देखते। तो जानवर बनने ही में जब नाकामी है तो जानवर से भी नीचे जाने में। यदि जो तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता नहीं करता वो तुम करते हो, जो तुम्हारे गांव में सुअर ना करे वो तुम करते हो। और कहते हो मैं सही हूं, लकीदार सुन्नी मुसलमान हूं, हो पर ये तो बताओ, मुसलमान होना तो बात की बात है, इंसान बने क्या? हमारा इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है। अब अगर इस्लाम का चमत्कार देखना है तो पहले तू बन जा इंसान, फिर बन जा मुसलमान, फिर देख कि रब है कितना मेहरबान। ये कैसे पता चलता है कौन कामयाब रहा? साल भर तक हाई स्कूल का विद्यार्थी पढ़ता रहा, 8 महीना 9 महीना गुजर गया, पता नहीं फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है या फेल है। इम्तिहान बताता है कि कामयाब है कि नहीं। तो प्रतिवर्ष परीक्षा ली जाती है अनेक विषयों में, भूगोल का विद्यार्थी है कि इतिहास का, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, जूलॉजी का है कि बॉटनी का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है या तर्कशास्त्र का। परीक्षा होती है, पेपर आता है, तीन घंटे का समय है, लड़का बैठ गया, नाम लिख, रोल नंबर, आई थिंक नो नेम, रोल नंबर, विषय गणित मैथमेटिक्स सेंटर इस्लामपुर, बैठा, सवाल आया, पेपर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दो। 13 सवाल थे, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। जब मैं हाई स्कूल में था तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो, और 13 सवाल थे, मुझे 13 के 13 आते थे। मैं 13 जवाब लिख के मैं ऊपर लिखा सी एनी 5 क्वेश्चन, तुम ही कोई 5 देख डालो। और मैं ऐसा क्यों ना करता, सवाल मेरा थोड़ी था, 13 था। मैं पास हो गया। ये इम्तिहान बताता है कि साल कैसा गुजरा, विद्यार्थी का की परीक्षा बताती है साल कैसा गुजरा। आपका भी इम्तिहान बताएगा दुनिया कैसी रही। आपकी दुनिया अब यहां तो हम बच्चे थे, जवान हुए, फिर बुढ़े हुए, रात भी बुढ़ी, मैं भी बुढ़ा, मगरिब बाद रात जन्म लेती है।
ऐशा तक नौजवान होती है, 12 बजे तक जवान होती है, 1 बजे अधेड़ होती है, 1 बजे के बाद बुढ़ी हो जाती है और 1 बच चुका है। जब रात जवान थी तो जवान लोगों को मौका दिया गया और जवान लोगों ने मौका पे चौका मारा, अधेड़ हुई तो खतीबे आजम हिंद को बुलाया गया और जब बुढ़ी हो गई तो बुढ़े को बुलाया गया। मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूं कि इस बुढ़िया के साथ मेरा निभा हो, लेकिन मेरे भतीजे मौलाना सैयद अहमद रजा ने का प्रेशर है मुझ पे कि हाजी चचा बुढ़िया से निभा कर लीजिए। अब आप दुआ करें इस बुढ़े की इस बुढ़िया से बन जाए, वरना आजकल की बुढ़ी भी जज्बाती है। अब मेरी दुनिया, बचपन गया जवानी गई, मेरी दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये अल्लाह कब पता चलेगा? कहा जब तू कब्र में जाएगा तो तेरा इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान में अगर तू कामयाब, दुनिया कामयाब। कारून खजानों का मालिक था, ईमान न बचा सका, फेल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुशान रसूल का बेटा ईमान न संभाल सका, नाकाम रहा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला जैसा अमीरुल मोमिनीन का बेटा, हजारों मिसाल है, कामयाब बापों का नाकाम बेटा, कामयाब उलमाए दीन का नालायक बेटा, बहुत मिलेंगे। अगर आपने बंगाल में जीते जी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यू आर फेलियर, बेकार है तुम्हारा इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, बेकार है तुम्हारा जाहिरी तौर पर आलिम दीन होना, बेकार है तुम्हारा गले के सहारे से नात गोई करके हमें मुसख़र करना, सब बेकार है। ईमान को हल्के में मत लो, ईमान गया तो कुछ नहीं रहा। तो परीक्षालय कब्र है, आपकी कब्र एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें 3 सवालात होंगे। पहला सवाल, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा, मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट्स योर रिलीजियन, तेरा दीन क्या है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मा कुंता तकूलो फी हाजर रजुल, मा कुंता तकूलो। सरकार फरमाते हैं इसका सही जवाब यह है, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बो का, तो मोमिन का जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ता पूछेगा मां दीनों का,
तुम्हारा दीन क्या है? तो वो जवाब देगा, मोमिन दीन ही इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मैं कौन था तखलो फी हजर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? तो मोमिन जवाब देगा, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाजा नबी ना मोहम्मद रसूल, ये हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह। इस पर कल मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी तो मैं इख्तियार बताना चाहता हूं नबी का। और या रसूल अल्लाह, जो मोमिन नहीं है उनका क्या जवाब होगा? उनका हर सवाल का एक ही जवाब होगा, मन रब का। काफिर कहेगा हा हा ला अदरी, सॉरी सॉरी आई डोंट नो। अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता, मा दीन होगा, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता, मा कुलता तकुलो, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। काफिर एक ही जवाब देगा तीनों सवाल का, सॉरी आई डोंट नो, अफसोस मैं नहीं जानता, ला अदरी मैं नहीं जानता, हा हा अफसोस, होय 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 आई डोंट नो। बंगाल में इम्तिहान होता है हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, इम्तिहान होता है सर्विसेस का, मालूम बंगला का पेपर आउट हो गया। तो बंगाल की हुकूमत कहेगी बंगला पेपर कैंसिल, नया पेपर बनेगा, अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बंगाल। लाखों छपा बेकार हो गया क्योंकि पेपर आउट, अब फिर लाखों नया छपेगा, हजारों लाखों रुपया बर्बाद। अब ये सत्ताधारियों से कहा जाने दो, एक पेपर आउट हुआ तो क्या हुआ? कहा जनाब इम्तिहान लिया जाता है, लड़के ने साल भर पढ़ा कि नहीं, पूरे वर्ष वो विद्यार्थी धर्म निभाता रहा कि नहीं। अब सवाल जब आउट हो गया है तो सब सही सही जवाब देंगे, तो सभी 100 में 95 और 90 नंबर ले जाएंगे पेपर आउट हो जाने पर। ये नहीं पता चलेगा थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन, सेकंड क्लास स्टूडेंट कौन। पेपर आउट हो गया है, सवाल लोगों को पता चल गया है। अब जब सवाल पता चल गया है तो फिर सवाल नया किया जाएगा। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर। किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे, ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है न उनके किसी संतरी के पास है कि पेपर आउट करे, मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो, कब्र का पेपर आउट कर दिया। जहां अमरीका की हुकूमत कमजोर है वहां भी मेरा नबी जोरदार है, जहां यूरोप की यूनियन नहीं कर सकती मदीने वाले ने करके दिखाया, कयामत तक के लिए बता दिया
कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल पर रबों का है, दूसरा माँ दीनों का है, तीसरा माँ कुंता तकुलो फी हजर रजुल है, और जवाब भी बता दिया। रबी अल्लाह पहले का जवाब है, दीन इस्लाम दूसरे का जवाब है, आजा नबी योना मोहम्मद रसुल्ला तीसरे का जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अगर अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। तो कामयाब दुनिया उसकी है, भूखा रहने से नाकाम नहीं है, प्यासा रहने से नाकाम नहीं है। सीधा सवाल सीधा जवाब, बहुत तबीयत खुश हुई, हैदरी नारा लगता रहा, बौला अली का नाम लेते रहे, हजरत अली के कितने बेटे हैं। अरे मुहर्रम में बहुत याद करते हो खानदान को, कोई बता दो तुम्हें से कितने बेटे हैं, नाम बताओ। हसन हुसैन, ये दो ही नाम क्यों याद है, क्यों? ये दोनों कामयाब हैं। अच्छा, इमाम हसन कामयाब, हाँ इमाम हुसैन कामयाब, हाँ। कामयाबी किस बात की? भूखे रहे दामन इस्लाम नहीं छोड़ा, प्यासे रहे तौहीद का जाम पीते रहे पिलाते रहे। भूखा हुसैन, प्यासा हुसैन, कामयाब हुसैन, तख्त पर बैठा हुआ हीरे जवाहरात से खेलता हुआ यजीद नाकाम, तो पता चला करोड़पति में दुनिया अच्छी नहीं होती, मुस्तफा की गुलामी में दुनिया अच्छी होती है। नारे तकबीर, आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई साहब अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो भाई। चलो, आपका स्टार्ट जो है शुभारंभ आपकी मर्जी का नहीं है। चलो, अपनी मर्जी से मरोगे तो एंड भी मर्जी का नहीं, ना शुरू मेरी मर्जी से हुआ है ना खत्म मर्जी से होगा। तो जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? आए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो अल्लाह की मर्जी से। तेरी मर्जी की वैल्यू क्या? न आने में मर्जी चली, न जाने में, तो रहने में कैसे चलेगी? इसको कहते हैं वास्तविकता, रियलिटी। इफ यू टर्न योर फेस फ्रॉम रियलिटी, यू टर्न योर फेस फ्रॉम रियलिटी, यू कैन चेंज रियलिटी। तुम हक बात से मुंह फेर लो, पर हक को बदल नहीं सकते, सच को बदल नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते। हकीकत यही है, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई पैदा हुआ, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई मरा, पर यह नहीं सोचते कि फिर अल्लाह के हुक्म से जियो। अल्लाह के हुक्म से जीने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो मना किया है मत करो। अल्लाह की मर्जी से आए हो, अल्लाह की मर्जी से मरोगे, अल्लाह की मर्जी से जियोगे नहीं। ये सुख ये दुख, बोलते हो ना सुखी जीवन दुखी जीवन, मैं दुनिया के पांचों महाद्वीप में गया हूं, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, चलते चलाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह।
पूरे पांचों महाद्वीप में मुझे एक दुकान नहीं मिली जहां सुख या दुख बिकता हो। मॉल में भी बह गया। कुछ हम लोगों को मोज बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, अपनी पसंद का रेजर लेना है, वहां भी सब मिल गया, दुख नहीं मिलता। आज मैं बंगाल वालों को इजाजत देता हूं, मैं कल दिन भर हूं, मुझे 10 किलो दुख चाहिए, लाओ 5 किलो सुख 10 किलो दुख। कहां है? जमीन से धान की तरह दुख आता है ऊपर, सुख दुख जमीन से पैदा होता, पेड़ों से निकलता है, जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होता? बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता क्या? नहीं, किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं, किसी मिल में सुख दुख बनाते हैं? नहीं। अबे तो कहीं दिखता है? नहीं, तो फिर है क्या? न सुख है न दुख है, जिंदगी में जो चीज आए उसे स्वीकार कर लो, यही सुख है, इनकार करोगे तो दुख है। दुख दुख होता ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर लूं। इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, दुखी नहीं थे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, जानशीन सरकार मुहद्दिस आजम। फातिमा के लाल ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया तो दुख ही उनके कदमों में झुक गया। मैं एक ऐसी मिसाल दूं जो आपके घर में, जब सर चकराता है तो पेन किलर ले लेकर के अपने सर के दर्द को दूर करने की तरकीब करते हो। पेट में दर्द हो बर्दाश्त नहीं होता साहेब, पेट में बहुत दर्द है, उंगली कटना बर्दाश्त नहीं, कोई दुख हमें बर्दाश्त नहीं, रिजेक्ट पौरन अगर, अरे कोरोना जैसा नाम वैसा ही काम। क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। मगर इस दुख भरी दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, सबसे ज्यादा टीस, सबसे ज्यादा फेल मां बनने में, ये हमारे घरों में मौजूद है। जैसे ही हमारी मां बहन गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, बस 2-3 महीना तो आराम से निकलता है, उसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू। दर्द की मुतअद्दिद लहरें शिकमे मादर को बेकरार करती, न खाना अच्छा लगे न नींद आए, 9 महीने तक सुख भूल जाए, पीड़ा धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाए, 8वें महीने में दर्द और बढ़ जाए,
और डिलीवरी के वक्त जो लेबर पेन होता है, परसव पीड़ा, उसको तो मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। भाई यूं समझो कि जब हजरत मलकुल मौत अलैहि सलाम आए और रूह निकाले तो जो दर्द होता है उसी से मिलकर जुलता दर्द है। जो मां झेलती है तो बच्चा पैदा होता है, कभी कभी वो मर जाती है बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए तो मां का दर्जा। नौजवानों, तेरी मां का दर्जा ये है कि तेरी सारी नमाजें, अगर तूने जितने रोजे रखे, हज किया, जकात दिया, बड़े से बड़ा फर्ज अदा किया, लेकिन तेरी मां अगर नाराज है, सब गया। मां, इस पर इंशाल्लाह मैं कल रोशनी डालूंगा। मां बाप, वो आप देखें ना तेवर, वला तुशरिकू बिही शयअन वबिलवालिदैन एहसाना, कहां जिक्रे खुदा, शिर्क शिकन आयत, वही शिर्क शिकन आयत से मुत्तसलन मां बाप, वला ताबदू इल्ला इय्याहू वबिलवालिदैन एहसाना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। डोंट मेक पार्टनर अप अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। मां बाप दोनों, इधर भारत में पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी है, अब्बा गायब, सिर्फ अम्मा। जय माता दी, मां की जय हो। बाप सौतेला है क्या? एक तरह मां की दुआ, बाप बद्दुआ देता है क्या? नौजवानों, मां का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। घर ही में जन्नत है, तेरे हर घर में जन्नत है। लिपट जा अपनी मां के कदमों से, लिपट गया जन्नत से। वह एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद है अल्लाह तूने पूरी कर दिया तो मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली, दोनों चौखट चूमूंगा। अल्लाह का करम, देखो मन्नत पूरी हो गई। अब सीधे साधे नूरे ईमान से मुनव्वर साहबी, अब जन्नत कहां मिले? मन्नत उतारने पर आए तो फिकर हुई, या अल्लाह जन्नत कहां ढूंढूं, दरवाजा कहां पकड़ूं, चौखट कहां देखूं, कैसे बोसा लूं। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। बारगाह रसालत में, या रसूल अल्लाह, इसी महीने मन्नत मानी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जन्नत का ऊपरी दरवाजा और नीचे चौखट चूमूंगा। अब मुझे जन्नत ही नहीं मिल रही है। रहमतुल्लिल आलमीन का इख्तियार खुसूसी देखो, पावर ऑफ प्रॉफिट। बोले तेरे घर में मां बाप है? या रसूलल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मां बाप दोनों है। का जा घर के अंदर, अपने बाप का माथा चूम ले, अपनी मां का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। घर ही में जन्नत, बाहर ढूंढ रहा है। मैं बता रहा था कि लेबर पेन मौत तक ले जाती है कभी कभी, लेकिन जिस औरत को शादी के बाद 12 साल तक लेबर पेन ना हो,
9 महीने की तकलीफ ना हो। तकलीफ होने लगती है कि तकलीफ नहीं है। सोचो 9 महीने की तकलीफ ना हो, उसे तकलीफ होती है कि ये तकलीफ क्यों नहीं है। दुआ मांगती है, दरगाहों में जाती है, वसीला ढूंढती है, पीर साहब से तावीज लिखवाती, सरकार औलाद हो जाए। औलाद थोड़ी मांग रही है, दर्द मांग रही है, लेबर पेन मांग रही है, और उससे ये तकलीफ नहीं हुई। 12 साल तक शादी के बाद 12 साल तक ये तकलीफ नहीं हुई, इस बात की उसे तकलीफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो तकलीफ पसंद आ जाए वो तकलीफ नहीं, जो दुख मकबूल हो वो दुख नहीं। तो एक्सेप्टेंस का नाम सुख है, रिजेक्शन का नाम दुख है। अब बताओ कि जो हम कहते हैं रब्बना आतना फी दुनिया हसना, तो घर में सबूत यह है कि तेरी दुनिया अच्छी है, तेरे माँ बाप राजी हैं कि नहीं। तेरी दुनिया अच्छी है, तुझे अल्लाह का दिया हुआ हर तोहफा कबूल है कि नहीं। पहले हकीकी एक ही है, चाहे सुख भेजे चाहे दुख भेजे, वही तो हमारा मालिक है। तो फिर हम दोनों को एक तरह से क्यों नहीं कबूल करते। ए सुख आ, रब ने भेजा है कोई परवाह नहीं, आ। ए दुख आ, रब ने तुझे भेजा है तो आ, क्योंकि जब तक रब दुख भेजता रहेगा उसकी तवज्जो इस बंदे की तरफ रहेगी, और रब की तवज्जो जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है कि वो बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसकी दुनिया कामयाब है और दुआ मकबूल है। रब बना आतना फिर दुनिया हसना। कल इंशाल्लाह इसके आगे की आज समझाऊंगा। वाखरो दावाना निर्हम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार या रसूल सलाम अलैका, मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نعم المولى ونعم الوكيل.
अस्सलाम वालेकुम। लोग मा।